समय बिल्कुल बदल गया है। आज बिना आर्ट के नज़रिए से किसी भी चीज़ को देखा परखा और जाना चाहिए। दिस करियर दे जनरली गेट इनटू मेनी एरियाज। वन, दे कैन गेट इनटू कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ इट व्हिच इंक्लूड्स मीडिया, एडवर्टाइजिंग्स, विजुअल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, मे बी प्रोडक्ट डिज़ाइन, और समबडी में इवन गेट इनटू फोटोग्राफी, समबडी में गेट इनटू फिल्म टेलीविजन, और पीपल इवन गेट इनटू ग्राफिक और एनिमेशन डिज़ाइन एंड बी पार्ट ऑफ द मास मीडिया इंडस्ट्री। अगर आप डिज़ाइनिंग में जा रहे हो, पेंटिंग के में जा रहे हो, या स्कल्पचर में जा रहे हो, या ग्राफिक्स में जा रहे हो, कोई भी आप पेंट ऑफ करें, आपका ड्राइंग पावर बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। हु कैन ड्राइंग और हु कैन चूज फाइन आर्ट एज अ करियर? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू चूज फाइन आर्ट एज अ करियर इज इमेजिनेशन एंड लव फॉर क्रिएटिविटी। पीपल विथ गुड एस्थेटिक सेंस एंड अबिलिटीज, डिफरेंट अबिलिटीज लाइक drawing, sketching, painting, landscape, all these abilities, those people who are good in this and coupled with good spatial and imagination are well suited for fine art as a career. डिजाइनिंग में मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना चाहता हूँ। मुझे अलग अलग चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है। गाड़ियाँ, मैं बहुत स्केचेस बनाता हूँ गाड़ियों के, और भी चीज़ को इनोवेट करना मुझे अच्छा लगता है। पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहा है, पर फ्यूचर में जाके उसका क्या होगा? तो BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये आपके इंडिया की सभी टॉप मोस्ट सिटीज़ पे, बैंगलोर, मद्रास, चेन्नई, कैलकटा, शांति निकेतन, लखनऊ, बनारस, सब जगह फाइन आर्ट्स के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे आपकी आप 12th के बेस पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। और सारे एंट्रेंस का जो बेसिक फंडा रहता है वो सिमिलर ही रहता है। बेसिक आपका स्किल बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। राइट नाउ आई एम इन 12th एंड मैं अपने मतलब स्टडीज परस्यू करूँगी एंड बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स विच इज़ BFA। एंड मेरे कुछ लिस्ट है कॉलेजेस की, वो है JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड बड़ौदा कॉलेज ऑफ आर्ट्स। ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैं अपना BFA करने का सोच रही हूँ। बच्चों में क्या क्वालिटी है ये पेरेंट्स को जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चे के साथ वो दोस्त बने। क्योंकि अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है ड्राइंग, तो स्पेशली उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जो खिल सकने वाला फूल है, उसको अच्छे से खाद पानी वो सब देना पेरेंट्स का काम है।